इस घर में सभी के पास अपनी अलग अलग जादुई शक्तियां हैं, लेकिन मीराबेल के पास कोई शक्तियां नहीं है जिसे उसे कोई पसंद नहीं करता। लेकिन आज उसके भाई को शक्तियां मिलने वाली है। लेकिन पिछली बार जब मीराबेल जादुई शक्तियों के लिए दरवाजा खोलने लगी तो दरवाजा कहता है खुलेगा और गायब हो जाता है। पर इसका भाई जब उस दरवाजे को खोलता है तो इसे जानवरों से बात करने की सुपर पावर मिलती है। इस खुशी में ये फैमिली फोटो शूट करवाते हैं, पर मीराबेल को कोई याद नहीं करता। लेकिन तभी ये देखती है कि पूरे घर में दरारें आ रही है और ये इस बारे में अपनी नानी को बताती है, लेकिन उन्हें कोई दरारें नहीं दिखती। तो इसकी नानी मीराबेल पर गुस्सा हो जाती है और ये शहर वाले भी इनका कलेश देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसकी नानी कहती है, क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहे हैं? लेकिन थोड़े ही दिनों में उन सभी घर वालों की शक्तियां कम होने लगती है। तो एक दिन मीराबेल देखती है कि कुछ चूहे जादुई पत्थर को लेकर एक पेंटिंग के पीछे जा रहे हैं, और जब ये उस पेंटिंग को साइड करती है तो मीराबेल को एक दरवाजा दिखता है, और जब ये उस दरवाजे के अंदर जाती है तो इसे एक आदमी दिखता है और ये उसका पीछा करती है। तो वो आदमी इसको बताता है कि मैं तुम्हारा मामा हूँ, और उसको एक जादुई शीशा दिखाकर कहता है तुम्हारे कारण हमारा घर टूटेगा। तो मीराबेल उसे दोबारा से फ्यूचर देखने के लिए कहती है, तो ब्रूनो कहता है मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया, आज तू। लेकिन मीराबेल के बार बार कहने पर वो मान जाता है और ये भूतनी का दिखाता है कि तुम्हें अपनी बहन को गले लगाना होगा। पर इन दोनों बहनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। मुझे पता है घर में कलेश करवाएगा ये भूतनी का। लेकिन अपने घर को बचाने के लिए मीराबेल जैसे तैसे हिम्मत करके अपनी बहन के कमरे में जाती है और गले लगने के लिए कहती है, तो उसकी बहन कहती है चल 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 निकल यहाँ से। लेकिन ये जैसे तैसे अपनी बहन को सॉरी सारी करके मना ही लेती है, और दोनों बहनें गले लगती है तो उनकी जादुई मोमबत्ती की रोशनी तेज होने लगती है और दरारें भी ठीक होने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी नानी आ जाती है और इन दोनों पर भड़क जाती है और मीराबेल से कहती है, मैगी के बालों वाली ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। तो मीराबेल भी गुस्सा हो जाती है और कहती है बुड्ढी, जिससे कि उनके घर में दरारें आने लगती है और ये दरारें शहर तक पहुंच जाती है। इससे इनका घर भी टूटने लगता है, जिससे इनकी जादुई शक्तियां भी कमजोर होने लगती है। तो ये जादुई घर सभी को सुरक्षित बाहर निकालने लगता है। लेकिन मीराबेल उस जादुई मोमबत्ती को बचाने के लिए छत पर चढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो उस मोमबत्ती को उठाती है कि तभी ऊपर से एक बिल्डिंग मीराबेल पर गिरने ही वाली होती है कि तभी वो जादुई घर मीराबेल को बचा लेता है और मीराबेल उस मोमबत्ती को, लेकिन थोड़ी ही देर में वो मोमबत्ती बुझ जाती है, जिससे सभी घर वाले मीराबेल पर गुस्सा होने लगते हैं। तो ये वहाँ से भाग जाती है, लेकिन इसकी नानी आकर कहती है शांत शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा, और बताती है कि एक बार उसके नाना ने गांव वालों की जान बचाई थी जिसे उन्हें ये जादुई मोमबत्ती मिली, तभी से ही हमारे पूरे परिवार को शक्तियाँ मिलने लगी। फिर ये दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के गले लगती है। तो वहाँ पर बहुत सी तितलियाँ आ जाती है, जिससे मीराबेल समझ जाती है कि भूतनी का ब्रूनो झूठ बोल रहा था। तभी ब्रूनो भी वहाँ टपक जाता है, तो इसकी नानी ब्रूनो को भी गले लगा लेती है। तो ब्रूनो हैरान हो जाता है और कहता है क्योंकि आज तक इसकी माँ ने इसे हरामखोर के अलावा कुछ नहीं बोला था। और ये तीनों घोड़े पर बैठकर धूम मचाले करते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। तो मीराबेल सभी को कहती है हम अपने घर को दोबारा बनाएंगे। तो ये सभी लोग काम में लग जाते हैं और सारे शहर वाले भी इनकी मदद करने आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इतने सालों से पूरे शहर की मदद की थी और इनका घर भी बनकर तैयार हो जाता है। तो ये सभी मीराबेल को दरवाजे का लट्टू लगाने को कहते हैं, पर जैसे ही मीराबेल इस लट्टू को लगाती है तो उनके घर में दोबारा से जादू आ जाता है। तो ये सभी कहते हैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो, और ये जादुई घर भी इनको उठाकर घर के अंदर ले जाता है और कहता है संडास दिखा दो। अब इन सभी घर वालों की शक्तियां भी वापस आ जाती है और मीराबेल को मिलती है घर में इज्जत। फिर ये फैमिली फोटो शूट करवाते हैं, तो मीराबेल को बिल्कुल बीच में रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, ये आपके लिए तो फ्री है पर इससे हमारी बहुत मदद होती है।